देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने किया था टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उसमें हमने दो टाइप पढ़ ली थी, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, दूसरे हमारे कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन से थे? मेटल जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के थे। कोवलेंट में हमारे पास मेटल में बताई थी, वो थी हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी, और जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स होती हैं ग्रुप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, वो क्या करती है मेटल, कार्बन, ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वहां पे कार्बन होगा उसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगी। नेक्स्ट अब हमारे पास आती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक बार हम स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ जी, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ, तो ये हमारी थर्ड टाइप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखो अभी तक हमने जो दो टाइप पढ़ी है बेटा, आयनिक वाली और कोवलेंट वाली, वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वहां पे जब बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बन के बीच में, उसको हम बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड बोलते हैं। पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को हम टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो पहली बात तो इसमें मेटल कौन सी आएंगी जिनके क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हमारे पास कौन कौन सी मेटल आ जाती हैं? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारी हमारे पास, तुम्हें पता भी है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। कौन कौन सी मेटल है बेटा? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारे कैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इनके एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास, पहला एग्जाम्पल है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम क्या होगा? Al2R6। तो इसकी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और R6 का मतलब यहाँ पे क्या है, दो तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, दो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और एक एक बेटा यहाँ पे है नीचे, और एक 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 ऊपर और एक नीचे। दोबारा से देख लो, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये जो ग्रुप है बेटा, ये क्या करते हैं? ब्रिजिंग करते हैं। ब्रिजिंग की हेल्प से अपना आउटर मोस्ट जो इनका सेल है वो क्या करते हैं, ये कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास देखो एल्यूमिनियम है, ये दूसरा एल्यूमिनियम हो जाएगा, और ये यहाँ पे CH3 है, तो 3H ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ये ब्रिज बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, और बेटा यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप, इसी तरह से इस एल्यूमिनियम के साथ भी आपके क्या हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास R ग्रुप थे, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डाइमेरिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? कैसी है ये? डाइमेरिक स्ट्रक्चर है, मतलब डाइमर बना रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपकी मेटल हैं वो क्या बनाती हैं? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं। अब यदि ये तो एग्जांपल हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम का, इसी तरह से हम बेरिलियम का देखें तो वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। बेरिलियम के केस में कैसी स्ट्रक्चर बनेंगी? पॉलीमेरिक, मतलब वो आगे से आगे अटैच होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं डाइमिथाइल बेरिलियम, क्या फॉर्मूला है उसका? Be(M2) और ये हम N ले लेते हैं, N नंबर्स जुड़ते जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये आपका बेरिलियम है, इसके साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप है, फिर नेक्स्ट आपका फिर बेरिलियम आ जाएगा, नीचे भी CH3 ग्रुप अटैच है,
इसमें इस बेरिलियम के साथ भी, अब आगे भी ये इसी तरह से क्या करता जाएगा, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। तो ये आपकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल दीज मेटल हैव, क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि ये जो मेटल है इनके पास स्ट्रोंग पोलराइजिंग कैटायन है। क्या है बेटा, ऑल दीज मेटल हैव स्ट्रोंगली पोलराइजिंग कैटायन। पोलराइजिंग कैटायन का मतलब क्या है, दे हैव वेरी हाई चार्ज टू मास रेशो। जो आपका कैटायन होगा उसकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो बहुत हाई है, उसकी वजह से वो क्या करता है, पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अवे फ्रॉम द एनायन। क्या करेगा, जो पोलराइजिंग कैटायन है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एनायन की उसको पुल करेगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो क्रिएट हो जाएगा और जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। तो अभी तक तो हम बोल रहे थे कि आपका, आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपका क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पर ये चेंज हो जाता है बेटा पोलर बन के, स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आपके ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर कैसा आ गया, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इनकी क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है किसकी, टू एसोसिएट स्ट्रॉन्गली टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इन पोलर मॉलिक्यूल की क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि अपने आप को वो एसोसिएट करके रखते हैं स्ट्रॉन्गली और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। तो इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम और बेरिलियम का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझा दिया है, एक आपका लिथियम का कॉम्प्लेक्स है वो आपका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपको एक तो यही बात ध्यान रखनी है, देखो ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा वो है आपका पॉलीमेरिक का, सेकंड एग्जाम्पल है डाइमेरिक का, और थर्ड एग्जाम्पल है आपका टेट्रामेरिक मिथाइल लिथियम का, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। नहीं, शाम को आना आप, हाँ ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आएगी वो आएगी ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें जो मेटल होगी वो ट्रांजिशन मेटल की होगी, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको आप एज अ मेटल कंसिडर करोगे। तो दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इंक्लूड ट्रांजिशन मेटल, और वो बॉन्ड बनाएंगी किसके साथ, किसके साथ बनाएंगी, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। अनसेचुरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड आपको देखने को क्या है मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आपका मेटल है वो आपका टू इलेक्ट्रॉन डोनर, आप ऐसे बोलोगे कि जब आपको दो बॉन्ड के साथ आपकी मेटल अटैच दिखेगी तो वो टू इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है, जब आपकी मेटल तीन के साथ बॉन्ड बना रही होगी तो वो आपका थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो जाएगा, फोर के साथ बनाएगी तो फोर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो जाएगा, इसी तरह से फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, सेवन और एट तक हमने हमारी बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं पहले तो वो क्या होंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड बनाएगी अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल है वो जो बॉन्ड बना रही है वो एक टाइम में एक से ज्यादा कार्बन के साथ क्या कर रही है, एसोसिएशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एल्कीन का एग्जाम्पल देखोगे, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है मान लो एल्कीन का है और डबल बॉन्ड है बेटा, तो आपके यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे दो कार्बन है और एक आपका मेटल क्या बना रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपकी ट्रांजिशन मेटल है वो एक टाइम में एक से ज्यादा कार्बन के साथ एसोसिएटेड रहती है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। हाँ जी, तो पहले अब इसमें जो हमारे कॉमन एग्जाम्पल हो जाएंगे इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जो टू इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम होगा वो एल्कीन्स के लिए होगा बेटा, जो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम होगा उसको हम पाई एलाइल ग्रुप सिस्टम बोलते हैं,
क्या बोलेंगे, पाई एलाइल ग्रुप सिस्टम। ठीक है, देखो ये आपका एल्कीन का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, फर्स्ट वाला। सेकंड ये आपका पाई एलाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट आपका ब्यूटाडाइन्स हो सकते हैं, जब आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है। 5 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम होगा तो वो आपका होगा साइक्लोपेंटाडाइन्स, और बेटा जब आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम होगा तो वो आपकी हो जाएगी बेंजीन। तो यहाँ पे सबके पीछे इन इन लग रहा है, तो इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो ये तो थे आपके जर्नल से एग्जाम्पल। उसके बाद आपके नीचे 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है आपका जीसस सोल्ट का, एक आपका फेरोसिन का, और एक आपका डाइबेंजीन क्रोमियम का। तो जीसस सोल्ट का आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ में आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्या इसका पहले तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, के पॉजिटिव, ये आपका कोऑर्डिनेशन सेल से बाहर होता है। ठीक है, PtCl3 और C2H4, ये ब्रैकेट बंद, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन और एनायन है यहाँ पे। प्लेटिनम जो है वो आपकी सेंट्रल मेटल है, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और एक तरफ ये किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा, एल्कीन्स के साथ है। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा देंगे, या फिर आप सीधा CH2 CH2 भी दिखा सकते हो। ठीक है, और आपकी पोटेशियम इस सेल से क्या होगी, बाहर होगी, के पॉजिटिव को आप बाहर दिखा सकते हो, और इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आपका कैसा है, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद फेरोसिन, फेरोसिन भी आपकी कैसी है, ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल मतलब इसमें जो मेटल है वो कौन से ग्रुप की है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। तो आपका फेरोसिन में आयरन होता है, ऊपर आपकी रिंग्स बनी होती हैं साइक्लोपेंटाडाइन्स की। फेरोसिन का जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो ये वाला फेरोसिन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आयरन सेंटर में और ऊपर 2 आपकी साइक्लोपेंटाडाइन्स की रिंग है। इसी तरह से डाइबेंजीन क्रोमियम देखेंगे तो क्रोमियम आपका सेंटर में है और ऊपर आपकी 2 बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे बेटा, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है भी यही आपकी, जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। अब जो बेटा लीगेंड अटैच होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ये पता नहीं पेज आपके टेढ़े क्यों आ रहे हैं, रोटेशन हो भी नहीं रही, मैं कर रही हूं तो कोई बात नहीं, आप लोग सुन लो अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स में हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड में हमारे पास पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीगेंड क्या होता है बेटा। तो लीगेंड के लिए पहले तो लीगेंड की डेफिनेशन देखो क्या हो सकता है। लीगेंड कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जो कि कैपेबल होता है अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करने के लिए किसको, मेटल एटम को। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे लिगेंड की, एन एटम आयन एंड मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। समझ में आ गई डेफिनेशन, डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास जो मेटल्स हैं, दो तरह की मेटल्स होती हैं बेटा, एक तो रिप्रेजेंटेटिव मेटल और दूसरी ट्रांजिशन मेटल। तो जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हैं उनके पास किस टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एल्काइल या एराइल ग्रुप के, और जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट रेंज है बेटा, कि उसके साथ किस तरह का ग्रुप आके अटैच होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल की जो है इम्पोर्टेंस वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू किसके, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स के। तो ट्रांजिशन मेटल के यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि वो एक टाइम में एक से ज्यादा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उनके पास ज्यादा टेंडेंसी है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इथाइलिन मोलिक्यूल, इट्स 2 कार्बन एटम आर बोथ विद इन द सेम बॉन्डिंग डिस्टेंस,
जब हम एल्कीन का या इथाइलिन इनके केस देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेटल है वो बॉन्ड बना रही है एक टाइम में दो कार्बन के साथ, और वो जो बॉन्डिंग डिस्टेंस है वो सेम है। इसी तरह से यदि हम फेरोसिन का एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे पांच कार्बन एटम ऑफ C5H5 लिगेंड्स के एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ, और वो भी बॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। तो ये जो बॉन्डिंग डिस्टेंस है इसको यहाँ पे ये नाम देता है कि मतलब कितने नंबर ऑफ एटम किसी भी कार्बन के, या फिर उसको हम इकट्ठा बोल सकते हैं कि लीगेंड के, हाउ मैनी नंबर ऑफ लीगेंड्स एक टाइम में बॉन्ड बनाते हैं और उनकी बॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, सेम है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम, हैपेटिसिटी। ठीक है, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है इसका साइन, इसको हम बोलते हैं हैपेटिसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड्स विच आर विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द मेटल एटम इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। ठीक है, इसको हम ईटा से डिनोट करेंगे, और ये जो हैप्टिसिटी है इसकी रेंज होती है फ्रॉम 1 to 8, मतलब आपको एक डोनर साइट से लेके 8 डोनर साइट मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंट डिफरेंट इनका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है आपका वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। जब आपका क्या हो, जो कार्बन हो वो क्या हो, वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड हो जिसके पास। तो पहले तो इसके डेफिनेशन देखो क्या होगी, दीज आर द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड, जो कार्बन एटम का लिगेंड है वो बॉन्ड बनाता है डायरेक्टली टू द मेटल एटम। ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, सच लिगेंड आज कार्ड, इनको जब हम एक आपका कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है उसको हम बोलते हैं मोनोहेप्टोलिगेंड। क्या बोलेंगे, मोनोहेप्टोलिगेंड, वन इलेक्ट्रॉन डोनर, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा वन से, किससे करेंगे, ईटा वन से, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मोनोहेप्टोलिगेंड बोलेंगे इसको हम। तो इसमें हमारे पास, इसको हम फर्दर सब डिवाइडेड करते हैं, सब डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो पहली है बेटा वो है हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स। पहले हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स। हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स में आपके एल्काइल, एल्काइल में आपका क्या होता है, CH3, नेक्स्ट आपका एराइल C6H5, नेक्स्ट है आपके एल्काइल्स वो होंगे CR डबल बॉन्ड CR2, नेक्स्ट है आपके साइक्लोपेंटा डाई इनाइल वो होंगे आपके C5H5, और लास्ट आपके हो जाएंगे एल्केनाइल्स। एल्केनाइल्स क्या होते हैं, जहां पे आपकी ट्रिपल बॉन्ड होगी CR। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स हैं, यहाँ पे जो कार्बन है वो डायरेक्ट एक बॉन्ड फॉर्म करेगी मेटल एटम के साथ। ठीक है, अब इनको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो देखो किस तरह से दिखाएंगे, बॉन्ड आपको दिखाना हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी वो देखो। अब देखो साइक्लोपेंटाडाईइन्स को यदि हम दिखाएं तो हम किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से, यहाँ पे डाईइन्स हैं तो ये डबल बॉन्ड, और ये आपके एच और एच। अब हम क्या करें बेटा, यदि हम वन कार्बन बॉन्डेड साइक्लोपेंटा डाई इनाइल बोलोगे, अब इसको डाईइन नहीं बोलोगे, डाई इनाइल बोलोगे, यदि हम इसको वन कार्बन बॉन्डेड साइक्लोपेंटा डाइनाइल कंपाउंड की फॉर्म में दिखाना चाहें, तो एक एच को हम यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पे क्या है, कार्बन तो है ही, और यहाँ पे आपका मेटल आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो जो पहली स्ट्रक्चर थी वो साइक्लोपेंटा डाइन की थी बेटा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वन कार्बन बॉन्डेड साइक्लोपेंटा डाइनाइल कंपाउंड की है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद सेकंड आते हैं एसाइल लिगेंड्स। एसाइल लिगेंड्स में आपके पास एसाइल ग्रुप होता है, पहले तो एसाइल ग्रुप होता क्या है, C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो ये तो है आपका एसाइल ग्रुप,
असाइल ग्रुप में आपके सीधा आपको कार्बन दिख रहा है, इस साइड आपका मेटल अटैच हो जाएगा तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट आपके लिगेंड्स हो सकते हैं जो वन कार्बन बॉन्डेड होते हैं, उसमें आपके आ जाएंगे कार्बिन। तो कार्बिन की पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, कार्बिन के पास अपना लोन पेयर होता है और यहाँ पे आर और इस तरफ भी आर ग्रुप, तो यहाँ पे आपका मेटल क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये भी आपका क्या बन गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये था आपका टू वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। इसी तरह से बेटा जो नेक्स्ट है वो आपके होंगे टू कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। टू कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में पहले तो डेफिनेशन क्या होती है, दीज आर द मॉलिक्यूल इन विच टू कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड। क्या है, दो कार्बन एटम किसी भी लिगेंड के वो बॉन्ड बनाते हैं टू द मेटल एटम, इनको हम क्या बोलेंगे, डाई हेप्टोलिगेंड। क्या नाम देंगे इनको हम, डाई हेप्टोलिगेंड और टू इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, नीटा टू से, नीटा नहीं सॉरी ईटा टू से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन आते हैं, एल्कीन्स आते हैं बेटा। मेनली आपके पास टू कार्बन बॉन्डेड में क्या आते हैं, एल्कीन्स आएंगे। तो एल्कीन्स के आपको यदि बॉन्डिंग दिखानी हो तो आप डायरेक्ट बॉन्ड भी दिखा सकते हो और डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। तो दो पिक्चर्स आपकी बताई हुई हैं, एक बार आपका कार्बन इस तरह से दिखाया हुआ है, ये एल्कीन बन गई और यहाँ पे मेटल ने डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया। या फिर आप दिखा सकते हो इसको इस तरह से, ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई और यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये कार्बन भी अटैच है और ये भी अटैच है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, टू कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। नेक्स्ट है आपका थ्री कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। थ्री कार्बन बॉन्डेड लिगेंड में पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, दीज आर द मॉलिक्यूल इन विच थ्री कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड। कितने, तीन कार्बन एटम किसी भी लिगेंड के आर बॉन्डेड टू मेटल एटम। क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं किससे, मेटल एटम से, इनको हम बोलते हैं ट्राई हेप्टोलिगेंड और किससे दिखाएंगे, ईटा थ्री से, ठीक है। इसमें हमारे पास एलाइल ग्रुप आते हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप आएंगे, हमने थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर को नाम भी क्या दिया था, एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप क्या होता है, C3H5, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाई एलाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम, पाई एलाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इस तरह में, इसमें हम किस तरह से स्ट्रक्चर दिखाएंगे वो देखो बेटा। अब देखो ये जो नीचे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई हुई हैं, ये वाली क्या है, पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि तीन कार्बन, पहले तो वो है किस तरह से, इस तरह से ब्रिजिंग बना रहे हैं, थ्री कार्बन ब्रिज सा बना रहे हैं। और वो क्या है, तीनों एसोसिएटेड हैं किसके साथ, मेटल के साथ, बाकी उनकी हम फिर वैलेंसी पूरी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पाई एलाइल, या तो आप इस तरह से दिखा दो कि सबके डायरेक्ट बॉन्ड दिखा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, एक मैंने बोला कि डॉटेड लाइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो सेकंड आपको दिखाया हुआ है डॉटेड लाइन से। तो ये तो है बेटा जब आपका पाई एलाइल सिस्टम है, पर यदि आपको सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स दे दे, सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स आपको ये है, पाई और सिग्मा से समझ रहे हो ना, सिग्मा मतलब आपका एक बॉन्ड, पाई का मतलब आपके क्या है, यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड है। तो आपका जब आपका सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स हो तो उसको आप थ्री कार्बन बॉन्डेड लिगेंड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपके एक ही कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम हो गया। तो ये आपका थ्री कार्बन में इंक्लूड नहीं होगा, किस में होगा। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स किस तरह का सिस्टम है, तो आप उसको थ्री कार्बन नहीं बोलोगे, कि आपने यही पढ़ा है कि पाई एलाइल आपके क्या है, थ्री कार्बन उसमें है, ठीक है, थ्री के नहीं है बेटा। जब आपको पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ तो वहां पे आपके थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, तो आप उसको थ्री कार्बन बॉन्डेड लिगेंड बोल सकते हो। पर आपका जब सिग्मा एलाइल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पे आपकी एक ही डोनर साइट है, तो एक डोनर साइट है, तो उसको आप वन कार्बन बॉन्डेड लिगेंड बोलोगे, ठीक है। तो ये हमने आज क्या किया है,
थ्री कार्बन बॉन्डेड लिगेंड तक कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैंने तुम्हें बोला था कि हेप्टिसिटी जो होती है वो उसकी रेंज होती है 1 से लेके 8 तक, तो हमने 1, 2 और 3 तीन बॉन्डेड लिगेंड के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो हमारे पास अब आप लोगों को स्ट्रक्चर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी कि आपको किस तरह से पहचानना है कि कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे बाकी जो हमारे एग्जाम्पल बच गए हैं वो, ठीक है। तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना इस यूनिट को। ओके ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।